फिर आदमी आप एक काम करिए ना, जो यहाँ पर प्राइवेट नाव वाला है उसको बुलाइए, हम उसको एक सप्ताह का पैसा देते हैं। कौन कौन है? अरे नहीं नहीं तू अभी बुलवा देते हैं, बुलाओ प्राइवेट में। कौन सर, हम लोग तो सरकारी चुप ना, प्राइवेट प्राइवेट नाव वाला को बुला रहे हैं, बीच में क्यों बोल रहे हैं? प्राइवेट नाव वाले को बुला रहे हैं। सुना था तो हम जाने जो लोग बदमाशी करेंगे, अब जब यहाँ से मना किया ना, लेके आता है ना, नहीं होगा दिक्कत नहीं। आप ये मैं देखिए, चार नौ का 15-15 संतरा दे रहा हूँ। नहीं 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 सुना, नहीं चलेगा अच्छा, तो उसको नहीं चलेगा। नहीं हम नहीं जानते नहीं, इरफान नहीं चीज करे से तो लोग का दिक्कत है। नहीं तो उसको चला देंगे जबरदस्त, नहीं चलेगा इरफान, हम जानते हैं ना। सीओ साहब के पास रजिस्टर क्या हो? ना तो हम जाने जो लोग बदमाशी करेंगे, जब यहाँ से मना किया ना, तो सब नहीं नहीं लेके आता है ना, नहीं 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 नहीं। आप ये मैं देखिए, चार नौ का 15-15 संतरा दे रहा हूँ। नहीं 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 सुना, नहीं चलेगा अच्छा, तो उसको नहीं चलेगा। नहीं हम नहीं जानते इरफान, नहीं इरफान नहीं चीज करे से तो लोग का दिक्कत है। नहीं तो उसको चला देंगे जबरदस्त, नहीं चलेगा इरफान, हम जानते हैं ना। आप नहीं जानते हैं सर, बोलिए बदमाशी करेगा, सब यहाँ से लेके भागेगा, भाग जाएगा। आप कुछ आप कार्रवाई करिएगा, चल जाएगा, पता चलेगा पब्लिक को दिक्कत हो गई। नहीं कहाँ से नौ बजा हो, परवाना दे देते हैं इन लोगों को। अभी आएगा कैसे सर? हमने हम वादा कर गया इरफान, हम बेइज्जत नहीं हो सकते। नहीं हम फिर हम पप्पू यादव बेइज्जत नहीं हो सकते। जो बात पप्पू यादव बोल दिया बोल दिया, ये नहीं हो सकता। अब आप लोग हटिए बैठो, पुरार के यहाँ खाना वाना कैसे खाया हो? यहाँ जो बांध पर है बताओ, बताए ना भाई, तू बांध बांध पर कैसा है? बांध पर कैसे दो लगा, आठ दिन से ना मिलो, बांध पर जैसा, बांध पर था। हाँ बोला, बांध पर जे छी तो खाना बन करके जे है हमरा सब के सरकारी फंड से अबै है, तो अब आबे के टाइम भ गेल, खाना बना के हमरा सब के डेरे 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 बच्चा उच्चा से आन देते सब के पहुँचा के भीतर का कोसी सीमांचल और मिथिलांचल के जितने नदी है, परमान कन्हर बकरा गोंडा कमला महानंदा कोसी भूती बलान ये जितनी नदियां हैं, इस नदियों की लड़ाई हम 82 में स्कूल से शुरू किए थे। 84-85 में हमारी लड़ाई होती थी नेपाल से और युद्ध के तरह, फिर हम इस पर हम और चंद्रशेखर लड़ाई शुरू किए हुआ कुछ, हम फरक्का बांध को तोड़ने और भीमनगर वायरस को तोड़ने के लिए लगातार 80 से डिमांड कर रहे हैं, 84 से। हमारे डिमांड के बाद भारत में सभी लोगों ने डिमांड शुरू किया, फरक्का और भीमनगर वायरस को नहीं तोड़ेंगे तो बिहार और चीजें, इसीलिए जब पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा। आप ये जो देख रहे हैं ये ऐसे लोगों के चलते, बूढ़ों के चलते ही ये हालात पैदा हुआ, हमारे लिए उत्सव और आम और गरीब आदमी के लिए मिडिल क्लास के लिए नियति। हम नेताओं ने बता दिया कि आपकी नियति है, हम क्या करेंगे, बारिश आता है, सबको पता है कि नेपाल में बारिश आनी है, 3 दिनों से नेपाल में बारिश शुरू हो गई, यदि गर्मी ज़्यादा होगा तब भी ग्लेशियर पिघलेगा और वो डबल चीज़ों से ग्लेशियर पिघलेगा, तो हम दोनों तूफान में देखिए, दो नदी है इस वर्ल्ड की जो सबसे खतरनाक नदी है, चीन का बांगो और हिंदुस्तान का कोसी, ये दोनों नदी दुनिया को समाप्त करने की ताकत रखता है, दुनिया को, इसको नहीं, बांगो और कोसी दोनों नदी दुनिया को समाप्त करती है, लेकिन हमने इसको समझा नहीं। स्थिति यह हुई कि जब हम हिमालय से पानी चलता है तो गाद के रूप में वो पत्थर लेके चलता है, बालू नहीं होता है। आज स्थिति नदियों की यह है कि गाद इतना ऊंचा हो गया कि अरबों खरबों लगा करके हम नदी की गाद को नहीं निकाल सकते,
पहले नदी का पानी नहर केनाल शहर से हम खेत में ले जाते थे, जो पानी बचता था उसको हम छोटी छोटी नदियों में डायवर्सन करके फिर हम समुद्र में ले जाते थे। अब समुद्र का पानी रिटेलेटेड करता है, गंगा का पानी कोसी में आता है, कोसी का पानी छोटे नदियों में जाता है, छोटी नदी की पानी बारिश के जो चलते जो गांव में पारी होती है कि अरबों खरबों लगा करके हम नदी की गाद को नहीं निकाल सकते। पहले नदी का पानी नहर केनाल शहर से हम खेत में ले जाते थे, जो पानी बचता था उसको हम छोटी छोटी नदियों में डायवर्सन करके फिर हम समुद्र में ले जाते थे। अब समुद्र का पानी रिटेलेटेड करता है, गंगा का पानी कोसी में आता है, कोसी का पानी छोटे नदियों में जाता है, छोटी नदी की पानी बारिश के जो चलते जो गांव में पारी होता है वो गांव ओवरफ्लोट कर जाता है। तो अब नदी नासूर इसलिए बन गई, पुरानी बांधे जितनी थी वो 18 साल 22 साल 19 साल 21 साल पुरानी, वो लाइफ उसकी खत्म हो चुकी। उस बांध के चलते हम ढेर पैसा कमा लिए, अब वो बांध नहीं बचेगा। जो नई बांध बनाने की बारी आई उसमें हमने टेंडर को जितना करना था उसने हम उसको टेंडर नहीं किए, हम उसकी लागत कम कर दी। जब हम लगातार अब टेंडर कुछ किए फिर बांध आई, हमने कहा सर मैं क्या करूंगा, बांध तो आया था, हमने तो बांधा था, टूट गया। जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना नदी के भीतर जितनी थी लगभग सब टूट गई। तो ठेकेदार कहता है सर हमने तो काम शुरू कर दिया था और हमने पूरा का पूरा कर दिया था लेकिन पानी आया और टूट गया, अब तो हमको बिल चाहिए। तो ठेकेदार को बिल मिल जाता है, पदाधिकारी मस्त हो जाते हैं और नेता लोग को मजे से अच्छा अच्छा माल आइटम चीजें सब मिलता है, सब जानते हैं। मर रहे हैं हम लोग, मर रहा आप लोग को तय है क्योंकि 5000 रुपया पे आप लोग वोट देते हैं। नहीं ऐसा सुनिए ना, सुनिए आप तय क्या, आप बताइएगा हमको वोट के बारे में। नहीं सर जिनका है उनका तो मैं सर सुनिए ना, इनको 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 खिचड़ी चाहिए और इन बुढ़वा को कम मरेगा इनसे पूछिए। तो बोले मैं तो उस कैटेगरी में आता नहीं हूं कि मुझे खिचड़ी चाहिए। सुनिए ना मेरी बात, आपके उस कैटेगरी में नहीं आने से क्या होगा, 82% लोगों को खिचड़ी खा के, तो मुझे पता ही है जी। आप उस कैटेगरी में नहीं आते हैं लेकिन आप उस कैटेगरी में आते हैं जिस कैटेगरी में इससे ज्यादा खतरनाक आप है। नाम छतो इरफान बरकत, बरकत तू चारों नौ का पैसा दे दियो, थोड़ा हमारे सौगन छा फ्री करवा नहीं जे हम कह रहा चौ कर नहीं हमें कह के लिए ना करो रख हमें नहीं करना, हम ओके के लिए रखो ठीक है। अरे फोटो नहीं दे, छोटो बंद कर फोटो मारा बंद कर दिए, मोबाइल बंद कर रख तू रख भेजेगा। देखिए उसका ये नंबर है ऊपर दिया हुआ था, तू रख ले रख। अरे सब खुशी से दे रहे हैं, रख लो रख लो, कर अच्छे ब्रह्म वादा कर के लिए, वादा करके लिए नहीं उना अपने रखना जी नहीं होता। नहीं 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 पाइए खेबर मतलब पाइए खेबर की व्यवस्था होता पाई दे देना तो सब खिला दे दो। रुका नहीं करवा के गए हैं बोल के सर नहीं हो सकता, हम नहीं करेंगे। सब काम में गए लिए सरकार पैसा ले लो इनसे, नौकर बने हर जगह गए नहीं हो सकता। भैया तू रखो इनको दे देते हैं तब आपको नहीं लगेगा। हाँ आप बोलिए अब यदि पैसा ललका चार पैसा देके जा रहा है चार नौ के 1500 रुपया नया टोले वाले नौ एक सप्ताह के एक नौ पंद्रह सौ चार देखो नया टोले वाले एक दो तीन एक दो तीन तीन नौ नाव वाला के एक दो नाव वाला नहीं पकड़ तब नाव वाला लेवे नहीं करती पैसा तब की करते है वो अपने चलाक पर आपकी में और पैसा लेते लोग से। हाँ सुन नहीं चलने देंगे उसको बंद कर देंगे बंद कर दीजिएगा तो पब्लिक को ना प्रॉब्लम होगा परवाना देंगे चलवाएंगे उसको चलाएगा कैसे नहीं जब वो गरीब आदमी वहाँ से पैसा लेगा 10 रुपया जिसके पास जेब में होते हैं कोई 4 बजे जाता है कोई 3 बजे जाता है गांव जाता है एक रुपया कम से कम 40 रुपया 50 रुपया सर लग जाता है एक आदमी पर सर
सरकारी तो दुए सरकारी से दुए टाइम दो भी है उसमें से फूटा हुआ है एक ही सरकारी है सर एक मिनट सर एक मिनट सरकारी एक ही सरकारी है सर एक ही सरकारी एक ही सरकारी जबकि यहाँ इटोला पर आता है इटोला पर आता है एक सरकारी जो है ना धरारी का नाम धरने में एक ही चीप लगाता है सरकारी मैं नहीं एक ही तो बोल रहा है सरकारी और नहीं यहाँ ना तो पांच रुपए से नहीं दे पा रहे हैं यहाँ का काम सकता है दस को बोलो नाव मिला हुआ है तीन को सरकार नाव भेजिए नहीं है क्या तीन है वो भी तीन का है तो वो भी नहीं है दस मिनट है बूढ़ा दस मिनट चुप और भाषण हम बहुत सुन लिया हमरा ये बताबो यहाँ प्राइवेट नाव सरकारी छोड़ के कैठो है तू चुप जा एक, एक नाव सरकारी है नहीं सरकारी बस प्राइवेट की नाव प्राइवेट नाव छात्र पांच गो है सर पांच गो है पांच गो प्राइवेट है पांच गो है ना जी एक दिन में एक नाव के यदि हम 300 रुपया दे दिए जी भोग लेगी उससे ज्यादा चाहिए सर तो नाव वाला के ना हम टेंशन तो लो सर ये सोच के ना लेते कि एक आदमी पर 50 रुपया जे पड़ लाए तो वह जोड़ के ना नाव वाला ले सके है में 50 रुपया में नहीं नहीं वहाँ 10 रुपया लेके आप वहाँ से बात अभी वहाँ से गांव से लिए 10 रुपया एक आदमी ले दस रुपया उधर से 10 रुपया इधर से दो बैग गए तीन बैग गए तो कते पड़ गए एक बार आवे जाए 20 रुपया ले भैया 84-83 में हम युद्ध लड़ते थे इन पदाधिकारी नेताओं से और 84 से कहते कहते भीमनगर बैरेज फरक्का ये नदी हमारी जिंदगी बनाती थी ये नदी नासूर हो गई ये नदी बरदान था ये नदी का ये हाल होगा अभी तो 1.5 महीना पहले बाढ़ आया है अभी अगस्त में कोसी टूटना है कुशेश्वर अभी आपके यहाँ 4 महीना पानी रहेगा पानी तो सर आएगा जब मेरी बात सुनिए ना नौबत हो जाता है सर कि मतलब ऐसा होता है पढ़े लिखे हैं या नहीं जी सर आपको क्या पता है पानी के बारे में मैं जो कंडीशन देखता हूँ हर साल मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ आप कुछ नहीं जानते नदी थी आप सुनिए जी बताइए सर नदी थी यहाँ गाँव था यहाँ नदी हो गई यहाँ गाँव हो गया यहाँ नदी की पानी अब गांव में जाता है पहले गांव का पानी नदी में जाता था स्लेस गेट होता था 54 के पहले बांध नहीं थी पानी इतने से नीचे में जाकर के फैल जाता था उसको कुछ बिगाड़ता नहीं था जब हम बांध के भीतर बांध दिए अब स्थिति यह है कि यहाँ पर दो बांध है एक रेलवे का एक NH का एक दूसरा बांध एक गाँव 4-5 बांधों के एक PWD एक RU एक गाँव का रोड एक गांव 5-6 बांधों के भीतर बंध गई गांव नीचे हो गया नदी ऊपर हो गया हर साल फ्लड फाइटिंग के नाम पर हम 200 बोरा गिरा करके लगभग 10,000-3,000-1,000 करोड़ रुपया बाढ़ में कमा लेते हैं इसका सोल्यूशन ये नहीं हुआ कि बोरा गिरा के हर साल बोरा गिरता है सुनो ना यार पहले बोल क्या रहे हो तो सुनने को सुनना ही नहीं सुन लीजिए मैं कह रहा हूँ हर साल नेता पदाधिकारी फ्लड फाइटिंग के नाम पर 1,000 करोड़ रुपया बोरा गिरा के कमाता है हमने बांध में नदी में पत्थर गिरा दिया पत्थर कहाँ गिरी ठेकेदार ने बता दिया हम पत्थर गिराए नदी को बचाना था प्रधानमंत्री सड़क योजना नदी के भीतर का कोसी सीमांचल और मिथिलांचल के जितने नदी है परमान कन्हर बकरा गोंडा कमला महानंदा कोसी भूति बलान ये जितनी नदियां हैं इस नदियों की लड़ाई हम 82 में स्कूल से शुरू किए थे 84-85 में हमारी लड़ाई होती थी नेपाल से और युद्ध के तरह फिर हम इस पर हम और चंद्रशेखर लड़ाई शुरू किए हुआ कुछ हम फरक्का बांध को तोड़ने और भीमनगर बायरस को तोड़ने के लिए लगातार 80 से डिमांड कर रहे हैं 84 से हमारे डिमांड के बाद भारत में सभी लोगों ने डिमांड शुरू किया फरक्का और भीमनगर बैरिज को नहीं तोड़ेंगे तो बिहार और चीजें इसीलिए जब पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा आप ये जो देख रहे हैं ये ऐसे लोगों के चलते बूढ़ों के चलते ही ये हालात पैदा हुआ हमारे लिए उत्सव और आम और गरीब आदमी के लिए मिडिल क्लास के लिए नियति हम नेताओं ने बता दिया कि आपकी नियति है हम क्या करेंगे बारिश आता है सबको पता है कि नेपाल में बारिश आनी है 3 दिनों से नेपाल में बारिश शुरू हो गई यदि गर्मी ज़्यादा होगा तब भी ग्लेशियर पिघलेगा और वो डबल चीज़ों से ग्लेशियर पिघलेगा
तो हम दोनों तूफान में, देखिए दो नदी है इस वर्ल्ड की जो सबसे खतरनाक नदी है, चीन का बांगो और हिंदुस्तान का कोसी। ये दोनों नदी दुनिया को समाप्त करने की ताकत रखता है, दुनिया को, इसको नहीं। बांगो और कोसी दोनों नदी दुनिया को समाप्त करती है, लेकिन हमने इसको समझा नहीं। स्थिति यह हुई कि जब हम हिमालय से पानी चलता है तो गाद के रूप में वो पत्थर लेके चलता है, बालू नहीं होता है। आज स्थिति नदियों की यह है कि गाद इतना ऊंचा हो गया कि अरबों खरबों लगा करके हम नदी की गाद को नहीं निकाल सकते। पहले नदी का पानी नहर केनाल शहर से हम खेत में ले जाते थे, जो पानी बचता था उसको हम छोटी छोटी नदियों में डाइवर्सन करके फिर हम समुद्र में ले जाते थे। अब समुद्र का पानी रिटेलेट करता है, गंगा का पानी कोसी में आता है, कोसी का पानी छोटे नदियों में जाता है, छोटी नदी की पानी बारिश के जो चलते जो गांव में पानी होता है वो गांव ओवरफ्लो कर जाता है। तो अब नदी नासूर इसलिए बन गई, पुरानी बांधे जितनी थी वो 18 साल 22 साल 19 साल 21 साल पुरानी, वो लाइफ उसकी खत्म हो चुकी। उस बांध के चलते हम ढेर पैसा कमा लिए, अब वो बांध नहीं बचेगा। जो नई बांध बनाने की बारी आई उसमें हमने टेंडर को जितना करना था उसने हम उसको टेंडर नहीं किए, हम उसकी लागत कम कर दी। जब हम लगातार अब टेंडर कुछ किए फिर बांध आई, हमने कहा सर मैं क्या करूंगा, बांध तो आया था, हमने बांधा था, टूट गया। जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना नदी के भीतर जितनी थी लगभग सब टूट गई। तो ठेकेदार कहता है सर हमने तो काम शुरू कर दिया था और हमने पूरा का पूरा कर दिया था, लेकिन पानी आया और टूट गया, अब तो हम तो हमको बिल चाहिए। तो ठेकेदार को बिल मिल जाता है, पदाधिकारी मस्त हो जाते हैं और नेता लोग को मजे से अच्छा अच्छा माल आइटम चीजें सब मिलता है, सब जानते हैं। मर रहे हैं हम लोग, मर रहा आप लोग को तय है, क्योंकि 5000 रुपया पे आप लोग वोट देते हैं। नहीं सुनिए ना, सुनिए आप तय क्या, आप बताइएगा हमको वोट के बारे में। नहीं सर जिनका है उनका तो मैं सर सुनिए ना, इनको 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 खिचड़ी चाहिए और इन बुढ़वा को कब मरेगा इनसे पूछिए। तो बोले मैं तो उस कैटेगरी में आता नहीं हूँ, खिचड़ी चाहिए। सुनिए ना मेरी बात, आपके उस कैटेगरी में नहीं आने से क्या होगा, 82% लोगों को खिचड़ी खा के, तो मुझे पता ही है जी। आप उस कैटेगरी में नहीं आते हैं, लेकिन आप उस कैटेगरी में आते हैं जिस कैटेगरी में इससे ज्यादा खतरनाक आप है। आपको पैसा दिया जा रहा है, सबको खाना खिलाइए। नाम वाला सर है, नाम पूरी कर दिया गया तो वहाँ किया है, यहाँ अभी बचा हुआ है। उसी नॉलेज से 8 आदमी को दिया गया भाई, 8 आदमी नाम वाला के लिए फ्री करे खातिर। और तू यहाँ खाना चला भाई एक सप्ताह, आई हमारे नंबर लग दीजिए, नंबर दीजिए। अब तू अपन नंबर लिखा था, जहाँ तोरा दिक्कत 10,000 रुपया दे राजन हमारे वाला नंबर था, 10,000 रुपया दे लिया। जो सब बांध पर है उनके लिए, बांध के लिए, घर में उनके लिए नहीं है खाना, समझ गया ना।